आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से बहुत ही शानदार कटहल की सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 केजी कटहल लिए हैं, इसे छीलकर टुकड़ों में काटने के बाद अच्छी तरह से धो लिए हैं। कुछ प्याज लिए हैं, इसे भी छीलकर रख लिए हैं। एक प्रेशर कुकर लिए हैं, इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। प्रेशर कुकर में पानी डाल दिए हैं, अब इसमें जाएगा कटहल। नमक 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब गैस को ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 सीटी लगाना है। प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा लिए हैं। अब सभी कटहल को एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। सभी कटहल को निकाल कर एक प्लेट में रख लिए हैं। अब चलते हैं आगे के स्टेप में। इधर एक कढ़ाई को गर्म किए हैं, इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होते ही इसमें डालेंगे तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा, स्टारफुल, थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 बड़ी इलायची। सभी कुछ हल्का चटक चुका है, सभी प्याज को इस तरह से काट लिए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ, प्याज को मिला लिए हैं। 2 से 3 मिनट प्याज को इसी तरह चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, तो अब इसमें जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस सेकेंड अदरक लहसुन पेस्ट को भून लिए हैं, इसका कच्चापन जा चुका है, तो अब इसमें जाएगा 2 कटे हुए टमाटर। इसी तरह चलाते हुए टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। सभी मसाला को मिलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनना है, मसाला को अच्छी तरह से भून जाने तक। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें जाएगा उबले हुए कटहल। नमक डालेंगे 2 चम्मच। नमक को अच्छी तरह से मिलाते हुए कटहल को 4 से 5 मिनट भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। कटहल अच्छी तरह से भुना चुका है, तो अब इसमें पानी जाएगा 2 गिलास। वैसे आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब कटहल को 4 से 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट सब्जी को ढककर पका लिए हैं। ये सब्जी तैयार हो चुका है, अब इसे सर्व कर लेती हूँ। ये कटहल की सब्जी खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।